है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही बेसिक तरीके का सारी ड्रैपिंग वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपना बेसिक ड्रैपिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि जहाँ से फॉल की स्टार्टिंग होती है वहाँ से हमें अपने साड़ी को टक करना है और अपने राइट साइड पीछे से लेके अपने आगे के साइड करके और एक साथ टकिंग करके, ये नहीं कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करें, आगे अपने लेफ्ट हैंड से साड़ी को खींच के रखें और एक साथ में साड़ी को टक कर दें। थोड़ा थोड़ा करोगे उस चक्कर में वो ऊपर नीचे साड़ी हो जाती है। फिर टकिंग करने के बाद हम यहाँ पे अपने पल्लू के लिए साड़ी लेंगे और ये भी चौड़ा बॉर्डर वाली साड़ी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पल्लू के लिए साड़ी ले लेंगे और पल्लू को हम एक साथ अपने हाथ में गैदर कर रफली लेना है। ये नहीं कि पहले आप चाहे उसके बाद कमर की प्लेट्स बनाएं। तो सबसे पहले खींचते हुए देंगे, जिससे कि देख रहे हो आप यहाँ पे जैसे कमर का शेप बहुत अच्छा बनता है। प्लेट्स भी लाइन से एक 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 सब। तो अभी यहाँ पे आते हैं पल्लू के प्लेट्स पे लेंगे। यहाँ पे हम दो अपने प्लेट्स में आपको दो या तीन तरह के पल्लू के प्लेट्स बनाएंगे। तो पल्लू के प्लेट में आप हमारी वीडियोज देखे होंगे कि मैं यहाँ पे फिंगर के अक्सर ऐसे प्लेट्स में बनाती हूँ मैं अपने हाथ में, जो कि अक्सर सभी लोग बनाते हैं। कितना पल्लू मोटा या पतला नहीं, अगर आप वैसे के प्लेट्स पल्लू और वाले थे बड़े बॉर्डर वाली हैं साड़ियाँ, बॉर्डर वालों में दिक्कत आती है। ट्राई करें तो ऐसे ही प्लेट्स बनाएंगे आप, जैसे कमर के प्लेट्स बनाते हैं वैसे ही अपने पल्लू के प्लेट्स बनाएं। साड़ी पहनने के लिए इजीली तरीके से बनता है। अगर आपकी हैवी बॉर्डर वाली साड़ी है तो प्लेट रख के बनाइए, नहीं तो पतले हैं सॉफ्ट हैं तो आप अपने हाथ पे ही रख के अपने हिसाब से सबसे पहले देख लीजिए कि जैसे मैंने जिस तरीके से पल्लू बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक तरीका है जो कि डेली यूज में हमको साड़ी जो डेली रेगुलर में साड़ी पहनते हैं तो हमें ऐसे ही पहनना होता है। तो फिलहाल अभी के लिए आप इसी से मैनेज करें। और यहाँ पे देखिए मेरा दोनों बॉर्डर भी साथ में आ गए हैं और सारे प्लेट्स मेरे अंदर के हो गए। मेरे एक भी प्लेट से बाहर नहीं दिख रहा है कि मैंने कितने प्लेट्स ले रखे हैं। तो यहाँ पे हम अभी अपना अच्छे से सेट कर लेंगे एक एक प्लेट्स को पकड़ के।